हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का सीन कुछ ऐसा है जो आप सभी के बिल्कुल ना दोस्तों। तो आज के खास वीडियो में नई चीज़ें जानेंगे समझेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं इस समय मैं 0 माइल पर हूँ दोस्तों। और दोस्तों मैं दरभंगा वाले रोड में हूँ दोस्तों। दरभंगा वाले रोड से मैं 0 माइल गोलम्बर की ओर मैं जा रहा हूँ दोस्तों। जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर ऑटो स्टैंड वगैरह है। आप विभिन्न सारी जगह जाने के लिए आप यहाँ से ऑटो पकड़ सकते हैं। और ये मैं दरभंगा की ओर से मैं बैरिया बस स्टेशन की ओर जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये बस वगैरह लगती है जो आपको विभिन्न सारी जगहों पर जाती है। आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ से बस पकड़ सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों। और ये बहुत ही ये मेन सेंटर है 0 माइल मुजफ्फरपुर का। यहाँ सभी लोग यहाँ आते हैं और यहाँ से विभिन्न सारी जगहों पर जाते हैं। अब बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में। रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को अपने सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस ब्लॉग वीडियो में आप देखेंगे कि 0 माइल कैसा दिखता है, इसके विषय में जानेंगे समझेंगे। तो आपसे वीडियो के अंदर बने रहिए दोस्तों। और यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार बनने जा रहा है दोस्तों। देखिए यहाँ से आप दरभंगा वगैरह के लिए बस वगैरह पकड़ सकते हैं, विभिन्न सारी जगहों पर आप जा सकते हैं जैसा कि देख रहे हैं। और देखिए दोस्तों, ये जस्ट ये 0 माइल का गोलम्बर आ गया दोस्तों। दोस्तों आप दाएँ साइड से आते हैं तो सीतामढ़ी रूनी सैदपुर से आते हैं और नेपाल वगैरह जा सकते हैं। और दोस्तों बाएँ जाते तो शहर रेलवे स्टेशन टावर चले जाएंगे, मोती झील चले जाएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑटो स्टैंड वगैरह है और यहाँ पर अब ऑटो पकड़ कर जा सकते हैं। और देखिए यहाँ पर आपको टावर, जुरंग, छपरा रेलवे स्टेशन, मोती झील और शहर में जाने के लिए रास्ता यहाँ पर स्टैंड है ऑटो का। आप यहां से पकड़ सकते हैं और इस रास्ते से दोस्तों आप अगर बाएं जाते हैं, लेफ्ट साइड जाते हैं तो बैरिया बस स्टैंड पटना चले जाएंगे, भगवानपुर चले जाएंगे दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं। और ये दोस्तों ये मुजफ्फरपुर का 0 माइल बस स्टैंड है दोस्तों। यहां के लिए आप सैदपुर, सीतामढ़ी, आरआई और सारे गांव घर में जाने के लिए यहाँ सब बस पकड़ सकते हैं। ये रोड दोस्तों आपको बैरिया बस स्टैंड और भगवानपुर पटना के लिए चली जाती है दोस्तों ये सड़क। और यहाँ पर देखिए बस स्टैंड है जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में। और यहाँ मैं आप दिखाता हूँ गोलम्बर के चारों ओर दोस्तों। देखिए ये बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है, यहाँ से ऑटो के लिए आओ विभिन्न सारी जगहों पर जाने के लिए ऑटो स्टैंड वगैरह है। आप यहाँ ऑटो पकड़ सकते हैं जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। हाँ ये देखिए दोस्तों ये गोलम्बर है। अगर आप इधर जाते तो आप यहां से 0 माइल चले जाएंगे और सीतामढ़ी चले जाएंगे और आप सरकारी हॉस्पिटल जो कृष्णा मेडिकल हॉस्पिटल आप वहां जा सकते हैं। ये देखिए सीतामढ़ी भी जा सकते हैं, नेपाल वगैरह जाने के लिए रास्ता है। यहां पर ऑटो स्टैंड वगैरह बहुत ही भीड़ भाड़ रहती है जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में। और दोस्तों मैं आगे से मुड़ता हूँ, देख सकते हैं, मैं आगे और थोड़ा दिखाता हूँ कि ऑटो स्टैंड है जैसा कि देख रहे हैं मुजफ्फरपुर का है। ये बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है। दोस्तों मैं यहां से पुनः मैं साइड लेता हूं, मैं पुनः 0 माइल की ओर मैं मुड़ता हूं दोस्तों। देखिए ये 0 माइल का ये ऑटो स्टैंड है और यहां से गांव घर और मेडिकल वगैरह जाने के लिए आप और ऑटो पकड़ सकते हैं। अगर आप बाएं साइड से ऑटो पकड़ते हैं तो आप बाजार समिति, टावर, रेलवे स्टेशन, मोती झील, जुरंग छपरा वगैरह जा सकते हैं, यहाँ से आप ऑटो पकड़ सकते हैं। देखिए ये 0 माइल का गोलम्बर है दोस्तों। जस्ट दोस्तों दाहिने साइड इधर दोस्तों ये स्टैंड है बस स्टैंड 0 माइल का, यहाँ से आप बस पकड़ सकते जा सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है, इधर देखिए स्टैंड वगैरह है। आप यहाँ से विभिन्न जगहों के लिए विभिन्न सारी जगहों पर जाने के लिए आप यहाँ से आप ऑटो पकड़ सकते हैं दोस्तों। तो ये आप इस ब्लॉग वीडियो में आपने देखा कि ये 0 माइल का दोस्तों रास्ता है, ये गोलम्बर है दोस्तों। आप यहां से आप दरभंगा की ओर सड़क जाती है जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, आप यहां से जा सकते हैं और यहां से ऑटो वगैरह पकड़ कर विभिन्न सारी जगह पर जा सकते हैं दोस्तों। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।